मणिकर्ण जल नालिका के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कों हेतु प्रमुखता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिए। उन्होंने धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि पिछले वर्ष से कम क्रय केंद्र न खोले जाएं। उक्त निर्देश मंडलायुक्त ने विकास भवन सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने समस्त मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन के निर्देशों का 100% अनुपालन समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराएं और कार्य का लक्ष्य पूर्ण करने के साथ ही आवश्यक है कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर हो। उन्होंने जिलाधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों के निर्देश दिया कि विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी कराया जाए तथा मिड डे मील की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने मुसहरों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य कार्ड से आच्छादित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत संचालित परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि कोटेदारों के द्वारा बिजली बिल जमा कराने के कार्य संबंधी प्रचार प्रसार भी कराया जाए, उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में सुगमता हो। उन्होंने ये भी कहा कि कोटे की दुकानों की चेकिंग की जाए, उठान वितरण समय से हो तथा निर्धारित दर में उपभोक्ता को सामान उपलब्ध हो। वितरण पारदर्शी होना चाहिए, अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाए तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने गौ संरक्षण की समीक्षा के दौरान कहा कि गौ आश्रय स्थल पर चारे आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो तथा पशु चिकित्सकों द्वारा निगरानी रखी जाए कि कोई भी पशु बीमार ना होने पाए, उसका समुचित इलाज हो। बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर के विजेंद्र पांडेयन, देवरिया के डीएम अमित किशोर, कुशीनगर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जनपदों के सीडीओ तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपदों में सर आठवें नंबर पे है, परंतु जनपदवार जो स्थिति है वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जस्ट लाइक महाराष्ट्र में 55 नंबर पे, 75 नंबर पे, तो 75 में से जो है। और ये जो मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन की 1076 जो है हमारे, वो भी उसी जनसुनवाई में सबसे पहली चीज ये आती है कि 10 दिन के अंतर्गत जो भी कोई संदर्भ जो है आता है तो उसकी जो मार्किंग होती है या कहिए उसको अनुसारित करने का, वो नॉर्मली सभी जनपद ने इस चीज़ को फॉलो किया है, संदर्भ हो रहा है। जो हमारी जो मेन गलतियाँ कमियाँ जो हमारे डिफॉल्टरों की संख्या के होते ही एक जस्ट लगे 30 दिन के ठीक जो है, अगर सुबह 8 बजे कोई संदर्भ आया है और 30 दिन के बाद ठीक 8:01 पर ऑटोमेटिक डिफॉल्टर करने के बावजूद भी आपके नंबर कम ही रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जनपदों की जो स्थिति है, मार्किंग जो है वो अभी खराब चल रही है। फिर दूसरी चीज की आप अच्छी बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो जो हमारे जनपदों में जो स्थिति आपने विस्तारित कर दिया, विस्तारित करने के बाद आम जनता से लेके कुछ अधिकारी के लेवल पर जो हायर लेवल पर जो फीडबैक होता है या मेन चीज है, तो उसमें असंतोष चारों जनपदों में सबसे ज्यादा समाज कल्याण अधिकारी, चाहे वो चारों जनपदों के जो है सबसे ज्यादा पुनर्जीवित प्रकरण जो है समाज कल्याण अधिकारी के लेवल पर है। पुनर्जीवित का मतलब ये है कि इनका आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं। आप अपने अधिकारी को बता दें क्योंकि इसमें आखिर कौन सा मेन गलती हुई है। खासतौर से गोरखपुर में आप दस्तक होने के कारण उसको लौटा दिया गया, वो आम के बहुत ज्यादा है, उसको देखिए। मतलब मेन चीज ये है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, बाकी हमारे मुख्य अभियंता आगे कुछ ज्यादा है और उन्होंने मुझे वो जो शीट दी है वो उसमें आपके बहुत ज्यादा पेंटिंग वीडियो के लेवल पर, यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज जैन देवरिया का हजार, महाराजगंज में करीब 5,000 ये पेंटिंग जो है सर, ये सत्यापन के अभाव में जो हम लोग बराबर जो है माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन। ये सत्यापन के अभाव में सर वीडियो लेवल पर पेंटिंग दिखाई जा रही है सर, सत्यापन ना होने के कारण कोशिश करते हैं। आपके स्टाफ ही करिए, आपने जनसंघ जिलाधिकारी या सीईओ को बताया
सर हमने पत्राचार दिया, हमने पत्राचार किया सर, होती समस्या वहाँ हम लोग भी करते हैं सर, समस्या सर से जीरो करा दीजिए, बट डीएम्स भी नोट कर लें, आप लोग के स्तर से भी एक आदेश जाना चाहिए, वीडियोस को जो करना है दिवस में निस्तारित कर जो भी हो, क्योंकि ये प्रकरण आज के नहीं है, तो आज के साथ ये इनका मतलब नहीं है, सब कुछ कई दिन से पड़े हैं, ऐसे ही मुझे लगता है एसडीएम के भी स्तर पर कुछ प्रकरण पड़े हैं, तो नगर निगम ने एसडीएम से यही उसको आप जो है एसडीएम को भी सात का दिवस दे दें और उनसे बोले उसको निस्तारित कर लें, तो सात सात दिन में ये सारे निस्तारित हो जाने चाहिए, आप चारों जिलों का भ्रमण करिए, सबसे मिलिए और फिर मुझे बताइए चार दिन आप क्या